हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आप थम इमेज से समझ गए होंगे, फिर से मैं आप लोग के लिए आया हूँ एक करंट अफेयर्स का एमसीक्यू, जो कि आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से बनाया गया है। ये जो एमसीक्यू है करंट अफेयर्स का, ये आपके आने वाले आईएएस, आईएफएस, पीसीएस, एसी और सीडीएस के एमसीक्यू के पेपर में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन अटेंड कर लिया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर आपने अटेंड किया होगा पूरा। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो है आपका क्या, आर्टिकल 145 पैरा 3 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस ऑफ कोर्ट विच सिट टू डिसाइड एनी केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसी पावर मिलती है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये वही चीज आपकी होती है। उसके बाद जो स्टेटमेंट टू है आपका, आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत किताब पढ़ी होगी तो ये स्टेटमेंट भी आपको पता होगा बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज द नेम गिवन टू द बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा बच्चों, वो आंसर बनेगा बी, ओनली टू। सिर्फ दो ही स्टेटमेंट इसमें सही है, वन और टू सही है, तीसरा आपका गलत है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है जो कि 5 जजेस की बनती है, आर्टिकल 145 पैरा 3 बनती है, उसमें हाई कोर्ट में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बनती है, सिर्फ किसमें बनती है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बनती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी टिक किया होगा, और बी टिक किया होगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब बच्चों, ये क्वेश्चन देने का ऑब्जेक्टिव क्यों था, ऐसा कि ये क्वेश्चन क्यों आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें कि दिल्ली का जो डिस्प्यूट है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें अभी एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया प्रेसिडेंट के थ्रू, उसके बाद अभी मामला जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करवाया है कि भाई एक्चुअल में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वहां के, उनके ऊपर किनके वो ऑर्डर्स को फॉलो करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर्स को फॉलो करें या जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके ऑर्डर को फॉलो किया जाए। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आराम से पढ़िएगा।
चलिए बच्चों, आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए भाई, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, 2023 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इसको जो हमारे इंडिया का है, ये कौन बनाता है? आपका नीति आयोग जो है वो बनाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI यानी कि 2023 हैज बिन रिलीज बाय WHO, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया स्टिल हैज मोर देन 230 मिलियन पीपल हु आर पुअर अकॉर्डिंग टू दी व्हाट वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशन है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। तो यानी कि आउट ऑफ दीज थ्री खाली एक ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? ए बनेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों पॉसिबिलिटी है आपके अपकमिंग IAS IFS या PCS या CDS या AC के एग्जाम में आने की, उसकी वजह ये है कि ये आपका न्यूज में आया बकायदा, नीति आयोग रिपोर्ट सेज 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये नीति आयोग रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें कहा गया है कि रूरल एरिया में गरीबी ज्यादा तेजी से कम हुई है एज कम्पेयर टू जो शहर में आपका पुअरनेस है वो कम। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे 12 पैरामीटर्स भी जो है वो लिए गए। चल अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले नीति आयोग के बारे में है, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, इसका आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग ऑन January 1, 2014, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो रिप्लेसमेंट हुआ था वो 2015 में। दूसरा, नीति आयोग सर्व एज एडवाइजरी थिंक टैंक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट, इट सर्व यानी कि नीति आयोग सर्व इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव पेट्रोटिज्म एज स्टेट आर इक्वल पार्टनर्स, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बनेगा? बी, दो स्टेटमेंट इसमें से बिल्कुल सही। और इस क्वेश्चन के आने की वजह, क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक की थी, तो हो सकता है कि नीति आयोग के बारे में दोबारा से आपसे पूछ लिया। चलिए अगला बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आराम से पढ़ेंगे।
चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो पहला स्टेप देखिए, नो जीएम फूड क्रॉप हैज एवर अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी तक कोई भी भारत सरकार की जो अथॉरिटी है उसने फूड क्रॉप को, ध्यान रखना है वर्ड फूड लिखा हुआ है, अभी तक हमने कोई भी पब्लिश नहीं। जो बीटी कॉटन है बच्चों वो हम लोग खाते नहीं है, जीएम क्रॉप है, बट बीटी कॉटन इज नॉट ईटन बाय द ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है, इंडिया इज द वर्ल्ड टॉप राइस एक्सपोर्टर। बिल्कुल सही है, हम बहुत बड़े जो है एक टॉप राइस एक्सपोर्टर में आते हैं, काफी इलाकों में हमारे जो राइस है वो कल्टीवेट की जाती है। थर्ड है, ऑल जीएम क्रॉप्स इन इंडिया रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम दी जीईएसी यानी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी फॉर यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन। और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या है, आपका सी। फोर का क्या होगा बच्चों, सी होगा। उम्मीद है आप लोगों ने सी ही किया होगा। अब ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज कुछ इस तरीके से एडिटोरियल की फॉर्म में आई, अ पुश फ्रॉम जीएम मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस द लॉ। ठीक है, तो बहुत अच्छा आर्टिकल ये आया था, द हिंदू का आर्टिकल है। तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि इस आर्टिकल से इंस्पायर होकर आपके यूपीएससी के जो एग्जामिनर हैं वो ये क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से बना लें। चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 आराम से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जो पहला स्टेटमेंट है, लोकल करेंसी सेटलमेंट एलसी मीन सेटलमेंट ऑफ अ बायलैटरल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज इज कंडक्टेड इन द रिस्पेक्टिव करेंसी ऑफ ईच कंट्री वेयर द सेटलमेंट इज कंडक्टेड विद इन देयर व्हाट बाउंड्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एलसीएस के बारे में। अब बताता हूँ ये क्वेश्चन क्यों आएगा एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं पहले आपको दिखा देता हूँ स्लाइड कि द हिंदू में आपका ये एडिटोरियल आया है जिसमें भारत और यूएई के बीच जो है ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है वो साइन हुआ है, इस वजह से इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी। वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो डेफिनेशन एलसीएस की बताई गई है। दूसरा, द पैक्ट साइन बिटवीन यूक्रेन एंड इंडिया, गलत। अभी मैंने बताई दिया आपको साइड में कि ये यूएई और इंडिया के बीच में साइन हुआ है। और थर्ड है आपका, यूएस डॉलर अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ ग्लोबल रिजर्व। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दो स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर बनेगा। टू स्टेटमेंट ऑफ दीज थ्री आर करेक्ट। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो तक बने हुए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए। और अगर आप मुझसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।